ओम शांति। आज मैं आपको एक बहुत ही विशेष टॉपिक में बताने जा रहा हूँ। हम सभी जानते हैं कि ब्राह्मण जीवन कितना महत्वपूर्ण जीवन है, और इस ब्राह्मण जीवन की यदि कहें कि लाइफलाइन एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो बिंदु है वह क्या है, उसके बारे में हम समझेंगे आज, जिसे बहुत ही महत्वता दी जाती है हमारे ब्राह्मण परिवार में, जिसका नाम है, कहते हैं अमृत वेला। अमृत वेला यदि हमारा बहुत अच्छा चला जाता है तो कहते हैं कि पूरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। हम देखते हैं कि बाबा ने हमें बताया है कि अमृत वेला की इम्पोर्टेंस इतनी अधिक है कि यदि हम इसको अच्छे से उपयोग में लाते हैं, अच्छे से इसे हम यूज़ करते हैं इस लिमिटेड समय को, तो यह हमारा 5000 वर्ष, न केवल 5000 वर्ष, पूरा कल्प, चारों युग, इसे हम बहुत अच्छे से व्यतीत कर सकते हैं। बाबा कहते हैं कि यह समय ऐसा है कि आप पूरे कल्प के लिए, चारों युगों के लिए, जिस प्रकार से अपना भाग्य बनाना चाहते हैं, जैसे अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं चारों युगों में, उस प्रकार से कर सकते हैं। लेकिन बात यहाँ पे आती है कि हमें उसके लिए इस संगम युग में अमृत वेले को बहुत ही अच्छे तरीके से यूज करना है, उपयोग करना है। हम देखते हैं दुनिया में लोग जीवन जीते हैं, लेकिन जीवन जीने के लिए सबसे इम्पोर्टेंस जो बात होती है वह होती है, कहते हैं कि यदि ऑक्सीजन ना हो तो हम जीवन नहीं जी सकते। ऑक्सीजन ज़रूरी है। गैस दुनिया में बहुत होती हैं, लेकिन ऑक्सीजन ही चाहिए, ये हम अच्छे तरीके से जानते हैं, पहचानते हैं। उसी प्रकार से हमारे इस ब्राह्मण जीवन के लिए ऑक्सीजन रूप से कार्य करता है अमृत वेला। यदि हम अमृत वेला नहीं करते, यदि हम मिस कर देते हैं, तो माना हमारा ऑक्सीजन जो है कुछ समय के लिए चला जाता। एक दिन नहीं किया तो, दो दिन नहीं किया तो, तीन दिन नहीं किया तो, बढ़ता गया, लिमिटेड नहीं रहता। तो बाबा ने हमें बताया है कि कैसे हम अपने इस ब्राह्मण जीवन को, कहना चाहिए कि जीवित रख सकते हैं। वह तभी रह पाएगा जब हम अमृत वेला अच्छे से कर पाएंगे। एक होता है उठ जाना, अमृत वेला उठ गए। अभी क्या करते हैं अमृत वेला, कई बाबा के बच्चे ऐसे झुटका खाते रहते हैं, नींद नहीं जाती है, इन सभी बातों में आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि होता क्या क्या उस समय अमृत वेला नींद आती है। एक तो पहले होता है कि उठ जाना, और उसके भी पहले क्या होता है कि कई बाबा के बच्चे होते जो उठ नहीं पाते। उसके बाद दूसरा आते हैं कि उठ जाते हैं, लेकिन क्या समय ऐसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। थोड़ा नींद कर लिया, थोड़ा इधर उधर की बातें सोच ली, और सोचते रहते हैं कि और कब टाइम निकलेगा, 4:45 हुआ कि नहीं हुआ, अभी कितना टाइम है। लेकिन अभी थर्ड नंबर आता है कि बहुत अच्छी महसूसता करते हैं, बाबा की याद का आनंद उठाते हैं अमृत वेला में, जो संगम युग का, एक कहा जाए कि चारों युगों में सबसे इंपॉर्टेंट समय होता है संगम युग, और संगम युग में सबसे ही महत्वपूर्ण समय होता है यह गिना हुआ 45 मिनट अमृत वेला। तो हम इसके लिए ऐसा जरूर कर सकते हैं कि कैसे हमारा यह अमृत वेला बहुत अच्छा बीते। हर एक बाबा का बच्चा यह चाहता है, बाबा मेरा
अमृत वेला बहुत अच्छे से गुजर जाए, आपकी याद में ही मैं अमृत वेला पूरा बिता दूं। तो उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह बात आती है कि हमें करना होगा उसके लिए तैयारी। तो तैयारी कैसे कर सकते हैं? हम देखते हैं कि कोई भी दुनिया में यदि हम साइकिल बनाते हैं तो उसको हम बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। साइकिल से तात्पर्य ऐसे है कि किसी कार्य को हम बार बार करते हैं, अभी बार बार करेंगे तो वो रिपीट होने के कारण हमारे दिमाग में बैठ जाता है, ज्ञान चक्षु में कहें मन में बैठ जाता है और उसी प्रकार से हमारे विचार चलने लगते हैं। तो बाबा भी हमें यही बताते हैं कि एक साइकिल बनाना है। अभी वो ऐसे है कि जब से हम अमृत वेला से उठते हैं, लेकिन हम यहाँ से स्टार्ट ना करके हम स्टार्ट करते हैं शाम से, नुमा शाम के योग के बाद से, कि किस प्रकार से अब हमें अपनी स्थिति बनानी चाहिए, क्योंकि हमें यह याद रहना चाहिए कि अभी सोने के बाद हमें उठना भी है। तो बाबा हमें बताते हैं कि खाने का टाइम क्या हो, किसकी याद में खाना खाओ, किसकी याद में भोजन पकाओ। अभी इन सब बातों की ब्राह्मण जीवन में बहुत ज़्यादा कहना चाहिए इम्पोर्टेंस होती। तो इन सब बातों को हम कैसे अपने जीवन में संभालें, वह बाबा हमें मुरली में बताते आते। तो कैसे करना चाहिए कि हमें रात का भोजन बहुत ही हल्का करना चाहिए और जल्दी कर लेना चाहिए। इससे क्या होता है, शरीर हल्का रहता है तो हम अमृत वेले के समय नींद के चलते अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, बहुत अच्छा बाबा की याद में हम अमृत वेला कर पाते। और हम देखते हैं कि बाबा हमें मुरली में बताते हैं कि कैसे आप इस टाइम को अच्छे से यूज़ कर सकते हो। बाबा बताते हैं कि अव्यक्त मुरली का स्मरण करिए, ज्ञान की बातें अच्छी अच्छी अपनी डायरी में जो लिखते हैं हम उसको अच्छे से पढ़ लें, याद कर लें। ये जो बातें हैं, कहना चाहिए कि ये जो बातें हैं इनको हमें कभी भी जीवन में एक भी दिन मिस नहीं करना चाहिए। और क्या बात आती है कि पोता मेल हमें कैसे देना है, दिन भर जो किया उसको हमने बाबा को सुनाया कि नहीं सुनाया। इन बातों की इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्णता है, महत्वता है हमारे इस जीवन में, क्योंकि हम जानते हैं कि एक संस्कार जो है वह हमें बहुत परेशान करता है। संस्कार माना कि जो ऐसे गंदे संस्कार होते हैं, विकारी संस्कार होते हैं, इधर उधर के व्यर्थ फालतू फजूल संस्कार होते हैं, इन सब बातों से हम कैसे विजय पाएं, वो बाबा हमें कहते हैं कि देखो अमृत वेला ही इन सब बातों का निचोड़ है। जैसे कि हमने जाना कि अमृत वेला क्या है, ब्राह्मण जीवन का ऑक्सीजन है, ठीक है। अभी हम देखते हैं, हम सभी भी जीवन जी रहे हैं तो ऑक्सीजन की वजह से ही जी रहे हैं, लौकिक जीवन और उसके द्वारा अलौकिक जीवन, ऐसा ही। तो अभी हम क्या समझें कि देखो ऑक्सीजन लेने के लिए क्या हमें ध्यान देना पड़ता है, सांस लेने के लिए ध्यान देना पड़ता है क्या कि हाँ अब सांस लूँ, अब छोड़ दिया अब फिर से सांस लेनी है। एक अंडरस्टूड है, एक साइकिल बन चुका है, वो हमें याद नहीं करना पड़ता है कि अभी लेना है अभी छोड़ना है, फिर से सांस लो। या जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, कहना चाहिए श्वसन तंत्रिका जो है, वह इसको एक्सेप्ट किए हुए है। और हम देखते हैं कि यदि जब यह श्वसन तंत्रिका थक जाती है, वह कारण जो होता है इम्यूनिटी पावर हमारे शरीर का कम हो जाता है, तो हम फिर यह इतना सरल जो व्यवस्था है इस जीवन की, श्वास लेना, वह भी नहीं ले पाते। तो फिर हमें डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, हॉस्पिटल जाते हैं, ज़्यादा होता तो वेंटिलेटर का भी यूज़ किया जाता है और ज़बरदस्ती आपको सांस दी जाती है, ऑक्सीजन दी जाती है कि आप जीवित रह पाओ। तो उसी प्रकार से हम समझें कि यह ब्राह्मण जीवन भी बहुत अच्छे से व्यतीत हो हमारा, उसके लिए हमें इस अमृत वेले को बहुत अच्छे से यूज़ करना है। अभी ये बात हमने समझी।
और हम देखते हैं कि अमृत वेले हमें करना क्या क्या होता है। अभी यह सबसे बड़ी परेशानी यह भी हो जाती है कि अभी करें क्या, उठ तो गए। अभी यह सोचते हैं बाबा ने हमें मुरली में तो बताया है कि उठते ही गुड मॉर्निंग करना है, ओम शांति बाबा, गुड मॉर्निंग बाबा। लेकिन मेजोरिटी क्या होता है कि वही हमें भूल जाता है कि अरे गुड मॉर्निंग करना तो भूल गए, अभी क्या, फिर बहुत देर बाद याद आता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी स्मृति में आ जाएं, जो हमने एक वर्ड यूज़ किया साइकिल, तो साइकिल से ये हमारे लिए बहुत ही सिंपल सहज हो जाता है। गुड मॉर्निंग किया, किससे गुड मॉर्निंग किया, किससे मिलन मनाने के लिए हमने रात को ही तैयारी कर ली, किससे, हाँ, दुनिया में हम किसी बहुत हाई अथॉरिटी से, मनुष्य से, ऑफिसर से, अधिकारी से मिलने जाते हैं, या एक कोई न्यूज़ हमें दे देता है कि भाई फलाने अधिकारी से, मंत्री मिनिस्टर से आपको मिलने जाना है, तो हमारी स्थिति क्या होती है, हम क्या सोचते हैं कि क्या करेंगे, क्या पहन के जाएंगे, क्या हम उनके सामने बोलेंगे, किस प्रकार से मेरा एटीट्यूड होगा, कैसे मैं उनके सामने देखूंगा, व्यवहार करूंगा, सोच लेता हूं कि क्या क्या बात करूंगा, नहीं तो वह 2 मिनट 5 मिनट की मीटिंग तो व्यर्थ चली जाएगी, इतने दिनों बाद मौका मिला। उसी प्रकार से हम देखें, हमें तो बाबा, बाबा भगवान जिसे सारी दुनिया ढूंढ रही है, वही अखंड ब्रह्मांड रचयिता प्यारा बाबा, वह हमसे रोज मिलन मनाने आता है, स्वयं भगवान आते। सिर्फ और सिर्फ हमें कहना चाहिए, आज दुनिया में मोबाइल हम यूज करते हैं, तो यदि कहा जाए कि एक मोबाइल में डेटा खत्म हो जाता है तो हम बोलते हैं भैया हॉटस्पॉट अपना चालू कर दो, वाईफाई दे दो। तो जब वाईफाई ले लिया जाता है तो वह डेटा ट्रांसफर हो जाता है, फिर उसके द्वारा हम नेट चला सकते हैं, बाबा की मुरली सुनने लगते हैं, मोटिवेशन स्पीच सुने, जो कुछ भी चाहे सुनते रहें, करंट मिलने लगी। तो बाबा क्या बताते हैं, अमृत वेला, चाहे 2 बजे से हो, 2:30 बजे से हो, कोई भी टाइम हो, वह वाईफाई ऑटोमेटिक चालू हो जाता है। और यदि मैं आत्मा अपनी ज्योति जगा लूँ, कनेक्शन पकड़ लूँ, तो उससे जितना भी पावर है, जो कुछ भी शक्तियां हैं, बाबा बताते हैं अष्ट शक्ति अपने अंदर भरना है, सारी शक्तियां उस समय हमें ट्रांसफर होती हैं। लेकिन बात वहां पे अटक जाती है कि हम किस प्रकार से उस समय को यूज कर रहे हैं। क्या मेरा ज्ञान चक्षु खुला हुआ है, कहीं शरीर अकड़ रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, पांव दर्द देने लगा, हाँ, तो ये सारी चीज़ें बाबा ने हमें बताया है कि इसके लिए क्या करो, बहुत अच्छे से अपना पहला, हाँ, यह जो तैयारी वर्ड है, इसको अपने जीवन में अपनाओ। सबसे पहले हमें तैयारी करनी है, क्यों करनी है, क्योंकि हम भगवान से मिलन मनाते हैं अमृत वेले, इसलिए करनी है। और भगवान भी बहुत दूर से, परम धाम से हमसे मिलन मनाने आते हैं, यह बहुत बड़ी बात हो जाती है, एक कहने में तो बहुत सहज बात है, इसलिए बार बार मैं इस बात को बता रहा हूँ, क्योंकि हम देखते हैं कि बाबा ने हमें बताया, रोज मुरली बाबा सुनाते थे, ऐसा जब समय था इस वर्तमान समय के पहले तक, कि बच्चे क्या करो, इन बातों पे ध्यान दो, इस श्रीमत को फॉलो करो। और बाबा बताते थे फ्यूचर के बारे में, जो फ्यूचर आज मुझे दिख रहा है, हम सभी को दिख रहा है, बच्चे ज्ञान मुरली नहीं सुन पाओगे, घर से नहीं निकल पाओगे, वह समय अब दिख रहा है। पहले क्या सोचते थे, कैसे नहीं सुन पाएंगे, क्या हो जाएगा कि मुरली नहीं आ पाएगी, अभी वह समय आ गया है। तो बाबा बताते हैं, और यह हम इशारा भी समय का समझ सकते हैं कि यह क्या बातें हैं, यह ऐसी बातें हैं कि हम अपने आप को, क्योंकि हम ज्ञान में चल रहे हैं, क्योंकि हमें सारी बातें पता हैं, क्योंकि बाबा ने हमें बताया कि तुम अथॉरिटी हो, सारे संसार को, पूरे विश्व को चलाने वाली आत्मा हो, इतनी विशेषों में विशेष हो, तो उसके लिए हमें किस प्रकार से अपने जीवन को
हाँ, ऐसा बनाना चाहिए संगम युग में कि कैसे हम इस जीवन को बहुत ही उत्तम सर्वोत्तम बना लें। तो उसमें हम समझते हैं कि अमृत वेला हम और क्या कर सकते कि देखें, अमृत वेले में पहले तो हम उठते ही बाबा को गुड मॉर्निंग करते हैं, ओम शांति करते हैं, फिर बाबा से इतनी प्यार भरी हम बातें करें, इतना बहुत अच्छे से खो जाएं कि भगवान से हम बातें कर रहे हैं, मैं आत्मा बाबा परमात्मा से बात कर रहा हूँ, इस प्रकार से खो जाना। अभी खो जाना यह जो वर्ड है, कैसे खो जाएं? बाबा हमें बताते हैं कि एक की सगाई दूसरे से जब हो जाती है तो क्या होता है, वह दोनों आपस में खो जाते हैं। बहुत ही उनको अच्छा यह संसार लगता है, बहुत ही मजा आता है वो जीवन जीने में। वही इमेजिनेशन उसी प्रकार से हम ब्राह्मण बच्चों को करना चाहिए, उसी प्रकार से। तो बाबा, हाँ, बड़े प्रेम से बाबा से हमें उस प्रकार से बातें करनी चाहिए कि हाँ बाबा ये बातें हैं, बाबा आप मुझे मिल गए, हम ना जाने कहाँ कहाँ भटक रहे थे, कैसा मेरा जीवन था, कोई मुझे भाव नहीं देता था। तो जो इस प्रकार से बातें हम करते हैं, 5 मिनट 10 मिनट इसमें व्यतीत हुआ, बहुत सुंदर, ये बहुत ही कीमती समय होता है। उसके पश्चात अभी कब तक ऐसे बात करेंगे? तो फिर हम देखते हैं कि जब अमृत वेला हम बैठते हैं तो इधर उधर के संस्कार भी, कर्म भी हमें याद आ जाते हैं जीवन के, जो बीत चुका है, तो वो याद आते हैं, तो उससे हम परेशान होते हैं कि बाबा अब क्या करें। तो इनको भी हमें यही समझना है तुरंत कि यह हमें याद आ रहे हैं इसलिए क्योंकि हमने कभी इसको किया हुआ है इन 5 कर्मेंद्रियों के द्वारा। तो उनको हमें ज्यादा सोच विचार करके परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ हम यही कर सकते हैं कि क्या, उसके लिए हम यह करें कि जिस किसी भी विशेष आत्मा की हमें उस समय याद आ गई, फलाने ने हमारे साथ यह किया, उसके साथ हमने क्या किया, यह भी थोड़ा गड़बड़ हमने कर दी, उसको हम किस प्रकार से ठीक कर लें। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, इन बातों को, इन कर्मों को, इन संस्कारों को चेंज करने के लिए, कि हम उस आत्मा को अपने सम्मुख ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, उसकी इमेज फोटो सामने लाएं मन के द्वारा, यदि मिल सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो उसको सोच विचार करके सामने लाएं और दिल से, एकदम से उससे बहुत दिल से माफी मांगें कि ऐसी बात थी, कृपया मुझे माफ कर दो, और मुक्त हो जाएं, फ्री हो जाएं। हम जब फ्री हो जाते हैं, बोझ नहीं रहता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है फिर जीवन में, फिर जो चाहे हम कर सकते हैं, जो इच्छा हम रखते हैं जीवन में, खासकर ब्राह्मण जीवन में हम जरूर कर सकते हैं। तो इन बातों में फिर थोड़ा सा टाइम गया, अभी और क्या करना अमृत वेले, क्योंकि यह अमृत वेला इतना इम्पोर्टेंट समय है कि यह हमारे पूरे कल्प को डिफाइन करने का समय है, और इसकी डेफिनेशन हम चाहे तो जिस प्रकार से लिखें वह हम लिख सकते हैं, जिस प्रकार से लेना चाहते हैं उस प्रकार से हम इसको व्यतीत कर सकते हैं, कहना चाहिए परिभाषा लिख सकते हैं। तो उसको हम ऐसे यूज करें कि कहते हैं कि जो आप दिन भर सोचते हैं ना, उसी प्रकार से स्वप्न आते हैं आपको, ऐसा कहते हैं ना कि उसी से रिलेटिव स्वप्न आते हैं। तो हम अमृत वेले उस प्रकार से अपने आप को सोच विचार दें कि हर एक जो मनुष्यात्मा है वह अपने जीवन में किसी ना किसी ऊंचाई तक, टॉप पोस्ट तक पहुंचना चाहता है। ब्राह्मण भी बहुत अच्छे से पुरुषार्थ करके उस पद पोजिशन को, जो निकट भविष्य में स्वर्ग आने वाला है, वहां तक पहुंचना चाहता है। तो उन ख्यालों में डूब जाए, बाबा आप हमें ऐसा बना रहे हैं, इतना अच्छा मेरा जीवन है, धीरे धीरे मैं सीख करके और अपने बड़ों के जैसे बन जाऊंगा, और इस प्रकार से मैं भी सेवा करूंगा, बहुत मजा आएगा। तो ऐसे हम बन सकते हैं। और जब बाबा हमें जो बताते हैं कि अब अमृत वेले के बाद जो जो करना है, तो उसको हमें अमृत वेले सेट कर लेना चाहिए। अभी इन बातों को हम बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज ये जो वर्तमान समय है,
यह हमें और अच्छे से पक्का करा रहा है कि हाँ हाँ बिल्कुल, कम से कम मैं अपने आप से उस समय बातें करूं कि हाँ अब मुझे जरूर समझ जाना चाहिए। नहीं ऐसे, क्या ऐसे ही व्यर्थ समय गंवाएं? नहीं बिल्कुल, हम सभी भी सोच रहे हैं हाँ बिल्कुल फैक्ट बात है, करना चाहिए बिल्कुल, तो जरूर करें। हम उस समय क्या करें कि पूरी दिनचर्या भी उस समय सेट कर लिया करें कि ये कार्य करना है, बाबा आपकी याद में यह पूरा कार्य बहुत अच्छा हो जाए, फलाने से मिलने जाना है, सेवा के लिए ऐसे मिलने जाना है, ये उससे सेवा करवानी है ताकि उस आत्मा का भाग्य बन जाए। हाँ तो बहुत अच्छे से संकल्प करते हुए ऐसा भी हम हाँ अमृत वेला बाबा से संकल्प करें, सोच विचार करें, और जहां तक भी हम अपने जीवन में पहुंचना चाहते हैं उस प्रकार के स्वप्न को वहां पे उस समय में थोड़े समय के लिए सोचें, इमेजिन करें, हाँ मुझे वहां तक पहुंचना है और दिन भर मुझे उसके लिए एड़ी चोटी का बाबा यूज करते हैं सेंटेंस, हाँ एड़ी चोटी बाबा यूज करते हैं सेंटेंस, 200 नाखूनों का जोर लगा दो। हाँ सुनने में ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं लेकिन लगाना है, 200 नाखूनों का जोर लगाना है, अकेले नहीं लगाना है। हाँ 10 ब्राह्मणों के 10 मनुष्यात्माओं के साथ में रह करके जब हम पूरा 24 घंटा व्यतीत करते हैं तो क्या होता, बहुत सारे संस्कार भिड़ने लगते हैं, एक से दूसरा तीसरा चौथा और सब खिचड़ी हो जाता है ना? लेकिन हम चाहते नहीं है लेकिन हो जाता है। समय हमें सिखा रहा है, उसके लिए हम अपने आप को एकदम से तरोताजा करें, बनाएं, सारी की सारी बातें बाबा की अपने जीवन में हम अप्लाई करें तो बहुत अच्छे से हम अपना यह जीवन व्यतीत करके और पूरा कल्प अच्छा बना सकते हैं। बाबा बताते हैं कि ट्रैफिक कंट्रोल बाबा ने सेट किया हुआ है, हाँ दिन भर में हमें उस समय रुक करके अपने मन को वाचा को एकदम से कंट्रोल करके, हाँ मैं आत्मा बाबा, रुक गए हम, कोई संकल्प नहीं, मैं आत्मा बाबा, ये संकल्प और संकल्प, हाँ चारों ओर हाँ मैं आत्मा सुख भावना, सभी को दुआएं दे रही हूँ इस प्रकार से। और बाबा बहुत इम्पोर्टेंट बताते हैं कि आपको अपने जीवन के बारे में अभी कल्पना भी करनी है, यह वह समय है। बाबा ने हमें बताया है बहुत सुंदर, इतना अच्छा जीवन हमारा हो गया है कि जिसे हाँ भगवान तो भगवान ही है, भगवान को तो सब पता ही है, लेकिन जिस मनुष्य को यदि अपना फ्यूचर पता पड़ जाए तो कैसी बात होती है, यह हम सोच सकते हैं, क्या बात है ये कि मुझे अपना फ्यूचर ही पता है। लेकिन यदि हम ऐसा करेंगे, बाबा के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे तो जरूर हम ऐसा कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। तो उसके लिए बाबा ने बहुत ही विशेष बात बताई है, 5 स्वरूपों का अभ्यास करना, कि कैसे हम इस 5 स्वरूपों के अभ्यास के द्वारा उस टॉप क्लास तक पहुंच सकते हैं। दुनिया में क्या कहा जाता, ए क्लास ऑफिसर, ऑफिसर तो हैं लेकिन किस लेवल के हैं, ए क्लास ऑफिसर हैं, फर्स्ट क्लास ऑफिसर, जिसको सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं। तो वहां तक पहुंचना, वहां तक पहुंचना ये क्या बातें हैं कि पूरी दुनिया को चलाने वाला वह अथॉरिटी बन जाना। आज जैसा कि हम देखते हैं कि अमृत वेला शब्द को हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे यहाँ पर, कि जानेंगे कि ये बात क्या है, अमृत वेला होता क्या है वो हमने समझ लिया, किस प्रकार से यूज करना है वो भी हमने समझ लिया, थोड़ा उस पे और प्रकाश डालेंगे। अभी हम देखते हैं जो 5 स्वरूपों का अभ्यास है कि अनादि स्वरूप आता है। जब हम देखते हैं कि अमृत वेला जब हम बोलते हैं तो इसमें 3 अक्षर आता है अमृत में, और वेला बोलते हैं तो 2 अक्षर आता है ना ऐसे। तो जब हम देखते हैं अमृत बोलते हैं तो पहले आता है आ, माना कि मैं आत्मा, आत्मा का अनादि स्वरूप, उसको हमें अमृत वेले में अच्छे से अपने जीवन में भर लेना है। हम जानते हैं आत्मा के 7 गुण होते हैं, उन 7 गुणों को अपने जीवन में भर लेना, हम सभी चाहते हैं शांति आ जाए, सुख
शक्ति, ज्ञान, प्रेम, आनंद, पवित्रता, प्योरिटी, ये सारी की सारी खजानों से मैं आत्मा भरपूर हो जाऊं, हो जाऊंगी, लेकिन उसका अभ्यास करना पड़ेगा अमृत वेले के समय खास कर, क्योंकि हमें वैसा अभी बनना है, बाबा से मुझे शक्तियां लेनी है। तो अनादि स्वरूप का अभ्यास करना, सारे के सारे सद्गुणों से अपने आप को भरपूर कर लेना। तो आ से अमृत, आत्मा, आत्मा के सात गुण। दूसरा होता है मा, आता है मृ कहते हैं, कहते हैं कि मृग तृष्णा समान इच्छाएं, यह हमें बहुत परेशान करती हैं इस संगम युग में। यह भी चाहिए, ऐसा हो जाए थोड़ा सा तो बहुत मजा आ जाए, लेकिन वह मजा थोड़ा सा आता है उसके बाद खत्म हो जाता है अगेन अगेन फिर से, क्योंकि बाबा ने हमें बताया, भगवान ने हमें बताया है कि बच्चे यदि संगम युग में तुम जो भी संस्कार क्रिएट कर लोगे ना, तो वह बार बार रिपीट होंगे। अब वह हमारे हाथ में है कि किस प्रकार की इच्छाएं हम रिपीट करवाना चाहते हैं इस पांच तत्व के शरीर से। हाँ, कि बाबा की श्रीमत अनुसार, कि रावण की श्रीमत के अनुसार, मृग तृष्णा समान इच्छाएं उसको हम, ये क्या बातें हैं कि जो हमें अमृत वेले के समय ऐसा होता है कि इधर उधर के संकल्प आते हैं और हम चाहते हैं कि ये ना आए, हाँ ऐसा ही है ना, तो उसको हम चेंज कर सकते हैं वह भी अमृत वेले के समय। तो ये हुई मृग से बात आती है। और तीसरा आता है कौन सा अक्षर, ता आता है। ता से होता है कि यह जो तमो प्रधानता है, आत्मा की तमो प्रधानता, यह खत्म हो जाए। हम सभी चाहते हैं बहुत अच्छे से, अंदर की ये भावना है, बाबा मैं बहुत प्योर बन जाऊं आत्मा, अब मुझे ये सारी चीजें नहीं चाहिए। लेकिन लेकिन उसको हमें खुद ही हटाना है, यह हमें नहीं भूलना है। अभी हम देखते हैं वेला आता है, अमृत हो गया, अभी वेला। वा से कहते हैं वायुमंडल, इस संसार में, इस पूरे विश्व में वायुमंडल की क्या उपयोगिता है वह हम सभी जानते हैं, किस प्रकार का वायुमंडल होता है वह भी हम समझते हैं। वैज्ञानिकों ने, हाँ विज्ञान से भी, साइंस से भी यह बातें आई हैं सामने कि कैसे वायुमंडल का इफेक्ट पड़ता है हमारे जीवन में, हमारे संकल्पों में। वो ऐसे आता है कि लोग दुनिया में जिस प्रकार का सोच रखते हैं, जैसे कर्म करते हैं, वह पूरे आसपास के क्षेत्र में फैल जाता है। यह बातें हम अच्छे से समझते हैं कैसे फैल जाता है। हम मोबाइल फोन यूज करते हैं, जो रेज होती हैं उसके द्वारा ही नेटवर्क पकड़ता है, वाइब्रेशंस, प्रकंपन, वह हमें बहुत इफेक्ट करता है। लेकिन दिन भर यह वायुमंडल इसलिए खराब रहता है क्योंकि करोड़ों अरबों मनुष्य, हर एक प्रकार के मनुष्य आत्माएं अपने वर्क प्लेस पे रहते हैं, अपनी इच्छाओं के बारे में सोचते हैं, उसके लिए कार्य करते हैं और वैसा कर्म भी करते हैं। तो इसलिए बाबा ने इसकी बड़ी अच्छी विशेषता बताई है कि वायुमंडल जो होता है ना अमृत वेले के समय, वो बहुत अच्छा रहता है, बहुत ही शांत नुमा। उस प्रकार की जो आत्माएं होती हैं दुनिया भी, वह सारी सोई हुई पड़ी रहती हैं। और हमें बाबा जो बताते हैं कि हाँ जाग सजनिया जाग, और अपना जो भाग्य है ना उसको जगा डाल इस समय। तो ये हो गई वायुमंडल की बात। और लास्ट में एक अक्षर आता है क्या, ला। तो अमृत वेला को जो आत्मा, जो बाबा का बच्चा बहुत अच्छे से यूज करेगा, नियम प्रमाण, श्रीमत प्रमाण, उसको अपने पूरे कल्प के लिए लाभ ही, प्रॉफिट, बेनिफिट ही बेनिफिट मिलेगा, खूब ज्यादा, जितना आप सोच सकते हो, बाबा कहते सोच ही नहीं सकते हो, उतना ज्यादा मिलेगा। तो इस प्रकार से अमृत वेला का हमें लाभ मिलता है। तो ये हुई अमृत वेला की बात। तो अभी समय अधिक हो रहा है, तो अभी मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। लेकिन अभी एक बात और मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि ब्राह्मण जीवन की बात हो रही है, ब्राह्मण जीवन में जब से हम ज्ञान में आते हैं, तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात होती है कि किसके सानिध्य में हम जीवन गुजार रहे हैं। हम सभी समझते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। हम मुरली पढ़ते हैं, मुरली हम बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं, बाबा जो है
मुरली में कुछ चुने हुए महारथियों का नाम लेते। हाँ जगदीश भाई साहब, अपने आदरणीय सामान्य कौन? महेंद्र भाई साहब। लेकिन लेकिन महेंद्र भाई साहब, महेंद्र के नाम से ही बाबा उन्हें नहीं उच्चारित करते कभी कभी, लेकिन बहुत विशेष टाइटल भी दिया हुआ है। क्या? द किंग महेंद्र, द किंग। हाँ, तो इतना बड़ा टाइटल बाबा ने दिया है और उनके सानिध्य में ऐसा ही कहेंगे कि हम भोपाल में अपना ब्राह्मण जीवन गुजार रहे हैं। भोपाल का जो स्थापना किया हुआ यह ये जो संस्थान है, इसकी ये जो शाखा है, यह आदरणीय भाई साहब के द्वारा। तो हम जीवन में चाहते हैं, मधुबन हम जाते हैं तो हम सोचते हैं कि भाई ऐसा कितना अच्छा है, ये भाई बहन की दादियों के साथ रहते हैं, इनके अंग संग चलते हैं, इनके हाथों से इनको टोली मिलती है, कोई कोई तो 24 घंटा साथ में रहते हैं, कितनी बड़ी बात है। हम सभी जानते हैं ना इन बातों को। कोई कोई ब्राह्मण तो ऐसा भी होता है कि उसका पूरा जीवन ही गुजर जाता है लेकिन दादी के पास भी नहीं जा पाते। दादी इन द सेंस ऐसी बातें कि ब्राह्मण इस परिवार में, फैमिली में जो महारथी आत्माएं हैं, जिनको बाबा कहते हैं महारथी। अच्छा, इस महारथी से यह भी बात हमें सामने आती है, समझ में आती है कि कोई भी आत्मा ना, वह महारथी तभी बनती है जब वह इस अमृत वेले का अच्छे से उपयोग करती। महान आत्मा तब बनती है, महारथी। हाँ, तो इतनी महान आत्मा। तो इन बातों से मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैं ही नहीं, हम सभी बाबा के बच्चे, हम सभी को इतना बड़ा यह उपहार, यह एक कहते हैं ना दुनिया में कि आपको यह गॉड गिफ्ट मिली है। फलाने को तो गॉड गिफ्ट मिली है तो वह कर पा रहा है, हमें भी मिलती तो हम भी कर पाते, तो वो बात एक अलग हो गई। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि हमें भी गॉड गिफ्ट ही एक तरीके से मिली हुई है। अखंड ब्रह्मांड कर रचयिता वह भोला नाथ, शिव बाबा, भगवान, परमात्मा, गॉड, वह जिसका नाम पुकारता है और उसके अंग संग रहने वाली आत्माओं के साथ हमारा जीवन गुजर रहा है। क्या कहते हैं बाबा? बाप समान बनना है, कहते हैं ना। क्या करना है आपको? इस प्रकार से जीवन जीना है, ऐसा आपको अपना संस्कार बनाना है कि आप बाप समान बन जाओ। और वह हम कैसे बन पाएंगे? जब हम उन प्रकार की आत्माओं के अंग संग रह करके सेवा करते हैं, यह ब्राह्मण जीवन गुजारते हैं। सीधे सीधे मैं उस बात को बताना चाहूँगा कि हम किस बात में प्रकाश डालना चाहते हैं जो हमें गॉड गिफ्ट मिली हुई है, कि आदरणीय महेंद्र भाई साहब के अंग संग रही हमारी आदरणीय दीदी, जो कहते हैं ना कि बाबा का राइट हैंड बनना है तो क्या करना होगा, बच्चों को ऐसी ऐसी बातें करनी होंगी, ये श्रीमत फॉलो करनी होंगी। तो हमारी सम्माननीय दीदी जी, आपने पूरा पूरा कहूँगा कि यह जो आज पद पोजीशन इस यज्ञ में प्राप्त कर ली है, उसका पूरा का पूरा जो असर है, उसका वो जो डिपेंडेंस है, जो निर्भरता हुई है इस जीवन को बनाने में, वह हुई है आदरणीय महेंद्र भाई साहब के द्वारा। अंग संग रहे आदरणीय दीदी जी, राइट हैंड बन करके ना जाने कितने बड़े बड़े कार्य किए, और हमें भी राइट हैंड बनने का मौका मिल रहा है। तो ये हम कभी अब सोच भी नहीं सकते। ये जब हम सोचते हैं, देखिए जब मन में विचार आता है वहां तक जब हम पहुंच पाते हैं तो वह बातें सामने आती। अभी यह बातें हमारे मन से गोल हो गई जो हम आज दिन तक सोचते थे कि अरे भाई कहाँ, यदि हम दादी जी के साथ रहते, जगदीश भाई साहब के साथ रहते, निर्भय भाई साहब के साथ, कितना मजा आता। अरे अरे है साथ, मन के कपाट, बाबा कहते हैं ना कपाट खोलो, साथ ही हैं, जरा आजू बाजू निहारो तो ये बातें आती सामने। तो यह बहुत बड़ी बात है। अच्छा, ओम शांति।